प्यारे बच्चों, हमारी कल की श्रृंखला के प्रश्नों के उत्तर देने को आज मैं फिर उपस्थित हूँ टीम बेसिक के सारथी के साथ। हमारा श्रृंखला के प्रश्न, श्रृंखला का अध्ययन कीजिए और बताइए कि प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सा विकल्प आएगा। सबसे पहला प्रश्न, 1, 2, 4, 7, 11। 1 में 1 जोड़ा 2, 2 में 2 जोड़े 4, 4 में 3 जोड़े 7, 7 में 4 जोड़े 11, 11 में 5 जोड़ेंगे 16। प्रश्न 2, 44, 40, 38, 34, 32, 28। 44 में 4 कम हुए 40, 40 में 2 कम हुए 38, 38 में फिर 4 कम हुए 34, 34 में 2 कम हुए 32, 32 में फिर 4 कम हुए 28। अब 28 में फिर से 2 कम करेंगे तो हमारा उत्तर 26 आएगा। प्रश्न 3, 1, 4, 9, 16, 25। तो हम देख रहे हैं कि ये सभी जो है प्राकृतिक संख्याओं के वर्ग हैं, तो 25 के बाद अगला वर्ग 6 का 36 आएगा। चौथा प्रश्न, 3, 5, 7, 11, 13। तो हम देख रहे हैं ये सभी अभाज्य संख्याएं हैं, तो 13 के बाद अगली अभाज्य संख्या 17 आएगी। प्रश्न 5, 1, 3, 7, 13, 21। 1 में 2 जोड़े 3, 3 में 4 जोड़े 7, 7 में 6 जोड़े 13, 13 में 8 जोड़े 21, 21 में 10 जोड़ेंगे, अतः उत्तर 31 आएगा। ए सी एफ जे अगला बताना है, तो ए के बाद एक संख्या गैप है और सी आया, सी के बाद 2 संख्याओं का गैप है, एफ आया, एफ के बाद 3 संख्याओं का गैप है, जे आया, जे के बाद 4 संख्याओं का गैप होगा और उत्तर ओ आएगा। अगला प्रश्न, ए टू, बी फोर, सी सिक्स, डी एट, इसके बाद ई टेन, सी सी डी स्पेस सी 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 स्पेस डी डी सी स्पेस। तो हमें अब इसमें विकल्प देखना है, तो हमारा इसमें पहला जब हम विकल्प रखते हैं तो हमारा उत्तर आ रहा है सी सी डी डी सी 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 डी डी सी सी, तो अतः हमारा पहला विकल्प ही सही होगा। प्रश्न नंबर 9, प्रश्न नंबर 9 में बच्चों एक मिस्टेक है कि इस डी की जगह यहाँ पर बी है। अब हम देखते हैं कि जब हम अपना पहला विकल्प रखते हैं तो कोई भी श्रृंखला नहीं बन रही है, लेकिन जब हम अपना दूसरा विकल्प रखते हैं तो एक श्रृंखला बन रही है, अतः हमारा विकल्प 2 सही होगा। प्रश्न नंबर 10, 3, 9, 27, 81, 243। हम देख रहे हैं कि 3 में 3 का गुणा 9, 9 में 3 का गुणा 27, 27 में 3 का गुणा 81, 81 में 3 का गुणा 243, 243 में 3 का गुणा करेंगे तो हमारा उत्तर आएगा 729, अतः हमारा 729 वाला विकल्प सही होगा। धन्यवाद बच्चों, फिर मिलते हैं अगली नई श्रृंखला के साथ।